Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you to all to this MCGM VTC online video session. And in this session today, students, we are going to learn about mathematics subject and standard 6. Our today's topic is ratio and proportion. And we are also observing the practice set 28 in this session. So let us start from this presentation. So you will see that in a cricket match, Naren scored 80 runs and Satish scored 40 runs. The difference in the runs scored by them is 40 minus 80 minus 40 is equal to 40 runs. Okay, now Nan scored twice the runs scored by Satish, or Satish scored half the runs scored by Nan. अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि क्रिकेट के एक मैच में सतीश और यहाँ पर हम देख रहे हैं नैन और सतीश ने जो है तो 80 और 40 रन बनाए हैं. ठीक है, तो इनके बनाए हुए रनों का फर्क अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 80 माइनस 40 यानी कि 40 का जो है तो फर्क है दोनों में. ठीक है, अब शाहिद ने ये अगर हम यहाँ पर बात करें कि नैन ने जो स्कोर किए हैं रन वो जो है तो हम देख रहे हैं कि सतीश के स्कोर से ज़्यादा स्कोर जो है तो उसने किए हैं ना. नैन स्कोर्ड ट्वाइस द रन्स स्कोर्ड बाय सतीश, और सतीश स्कोर्ड हाफ द रन्स. ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि सतीश स्कोर्ड हाफ द रन्स स्कोर्ड बाय नैन. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम कंपैरिजन करें इसमें, अगर हम यहाँ पर जो है तो मवाजना करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ जो मवाजना है वो तफरीक है या तफरी या तकसीम के ज़रिए किया गया है ना. हेयर द कंपैरिजन इज डन बाय सब्सट्रैक्टिंग, और सेकेंड पार्ट यू सी दैट इट विल बी बाय डिविजन. तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो कंपैरिजन है वो तफरीक के ज़रिए और तकसीम के ज़रिए किया गया है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि दोनों के रनों का के दरमियान जो फ़र्क हमने मालूम किया तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर तफरीक की है. ठीक है, और इसी तरह से हमने यहाँ पर जब कंपैरिजन किया कि नैन ने जो रन बनाए हैं वो दुगने रन बनाए हैं किससे, सतीश से, और सतीश ने जो रन बनाए हैं वो आधे रन बनाए हैं किसके, नैन के जो रन बनाए हुए हैं उस रनों से. तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या किया है, तकसीम की है. ठीक है, तो हेयर द कंपैरिजन इज डन इन सब्सट्रैक्शन एंड सेकंड इन डिविजन. सो द कंपैरिजन डन बाय डिविजन इज कॉल्ड रेशियो. तकसीम के जरिए किए हुए मवाजने को हम निस्बत कहते हैं. क्या कहते हैं, द कंपैरिजन इज डन बाय डिविजन इज कॉल्ड रेशियो. ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि तकसीम के जरिए किए हुए मवाजने को निस्बत कहते हैं आम तौर पर. ठीक है, सो हियर यू सी दैट सतीश रन्स 40 एंड नैन रन्स 80, सो 40 अपॉन 80 means you see that this zero will be cancelled, 4 ones are 4, 4 twos are 8. So you see that 1 upon 2 will be the difference. Okay, ये जो है तो तकसीम के जरिए किए हुए मवाजने को हम इसलिए निस्बत कहते हैं. ये बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो इस निस्बत को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे जो है तो हम यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज सतीश रन्स
यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो देखें तो आप देखेंगे कि सतीश रन्स रेशियो नैंस रन्स इज इक्वल टू कितना है, 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक निस्बत दो की निस्बत को हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसे हम यहाँ पर लिख पढ़ते हैं 1:2, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, एक निस्बत दो, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है बच्चों ये बात याद रखना कि कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो, तकसीम के जरिए मवाजने को जो है तो निस्बत कहते हैं। ओके, क्या याद रखना है आपको कि तकसीम के जरिए मवाजने को निस्बत कहते हैं। इसी तरह से व्हेन फाइंडिंग द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड देयर मेजर मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स, एक ही किस्म की दो मिकदारों की निस्बत मालूम करते वक्त इनकी पैमाइशों की इकाइयां भी जो है तो यकसा होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर ये बुनियादी मालूमात थी यहाँ पर निस्बत के ताल्लुक से। अब हम यहाँ पर मजीद बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 28 के बारे में। ठीक है, मशकी सेट 28 हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर 24 और 56 है, फिर 63 और 49 है। इनके रेशियोज हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले रेशियो ऑफ 24 टू 56। ठीक है, यहाँ पर जो है तो हमें 24:56 से निस्बत मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, यहाँ पर हम 24:56 इज इक्वल टू 24/56 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, हम इसे पहले स्टेप में 24/56। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सिमिलर कौन से नंबर के पहाड़े में 24 और 56 मिलता है हमें, तो हम देखते हैं यहाँ पर 8:3 किया तो हमें यहाँ पर 24 मिलता है, और 8:7 मिले करें तो हमें यहाँ पर 56 मिलता है। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 8 और 8 यहाँ पर यह है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3/7। यानी कि हम अगर यहाँ पर 24 की जो 56 से निस्बत है वो देखेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगी, 3:7, इस तरह से हमें मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम इसे जो है तो पढ़ सकते हैं, वो 3:7। ओके, लाइक दिस। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 63:49। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 63:49, सो 63/49, सो यू सी दैट 7:9 विल बी 63 एंड 7:7 इज इक्वल टू 49। सो दिस 7 एंड दिस 7 विल बी कैंसल, सो 9/7 विल बी द आंसर हियर। ओके, सो वी कैन राइट द आंसर 9:7 लाइक दिस। ओके, वी कैन डू लाइक दिस, एंड थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 52:65। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि जो रेशियो हमें यहाँ पर
मालूम करना है द रेशियो ऑफ 52 to 65। ठीक है, यहाँ पर 52 की जो है तो 65 से निस्बत हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 52/65 इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना होगा इसे। सो 13 × 4 करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 13 × 4 अगर हम करते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ पर मिलेगा 52, और 13 × 5 अगर करते हैं हम यहाँ पर 13 × 5, ओके दिस विल बी 13 × 5। सो इट विल बी, यू विल सी दैट दिस 13 एंड दिस 13 विल बी कैंसल, सो 4/5 विल बी द आंसर हियर एंड यू विल गेट द आंसर 9:7 लाइक दिस। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रेशियोज ऑफ 84। ठीक है, तो यहाँ पर हम 60 से इसका रेशियो है। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो हमें ये बात समझ में आएगी कि 80 की 60 से निस्बत है। ओके, किससे है, 60 से निस्बत हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 84:60, सो यू विल सी दैट 84/60, सो 12 × 7/12 × 5, सो दिस 12 एंड दिस 12 विल बी कैंसल, 7/5 विल बी द आंसर हियर। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आंसर विल बी 7:5 लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जवाब होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो पांचवे सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल है 35 की जो है तो 65 से निस्बत हमें बताना है। ठीक है, 35 की 65 से निस्बत, तो आप देखेंगे यहाँ पर 35 की 65 से निस्बत अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें किस तरह से लेना होगा। यहाँ पर 35/65 = 35/65। ठीक है, 35 की 65 से निस्बत बराबर 35/65। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 × 7 = 35 होता है और 5×13 = 65 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे जब मुख्तसर करेंगे हम तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 7/13 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, 7/13, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 7:13। क्या बनेगा, 7:13, यानी 7 नस्बत 13 की नस्बत इस तरह से। इसी तरह से अब यहाँ पर हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो 121:99। ठीक है, 121 की 99 से नस्बत हमें यहाँ पर देखना है। तो आप देखेंगे 121:99 = 121/99, सो 11 × 11 = 121 एंड 11 × 19 = 99। ओके, तो यू विल सी दैट दिस 11 एंड दिस 11 विल बी कैंसिल, सो 11/9 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। सो यू सी दैट 11:2:9। यहाँ पर हम देखें 11 की नस्बत 9, इस तरह से हमारा जवाब हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ द टू द सेकेंड। यहाँ पर देख रहे हैं हम ये आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे स्क्रीन पर, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 9 क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर हम लेते हैं पहले 24 beats to 40 beats। ठीक है, 25 beats to 40 beats हम यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं पहले। ठीक है,
इसमें हम देखते हैं कि 25 मोती की जो है तो 40 मोती से निस्बत हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो सेम क्वेश्चन जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 25 निस्बत 40 बराबर 25/40। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 ज़रा 5 यानी 25 और 5 ज़रा 8 यानी 40। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 5 और ये 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर जवाब क्या मिलेगा, 5/8 यानी 5 निस्बत 8। इस तरह से 5:8 लाइक दिस। तो आप देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन। द रेशियो ऑफ 40 रुपीज टू 120 रुपीज। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 40 रुपए की 120 रुपए से निस्बत हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 40 निस्बत 120 बराबर 40/120। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 40 एक 40, सो 40 × 1 एंड 40 × 3 विल बी 120। सो यू सी दैट दिस 40 एंड दिस 40 विल कैंसिल एंड यू विल सी दैट 1/3 विल बी देयर। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1:3, 1:3, 1:3 इस तरह से। तो 40 रुपए की जो 120 रुपए से निस्बत है वो क्या होगी, 1:3 की निस्बत होगी। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट वी कन्वर्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 1 आस। और आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ सवाल जो है वो किस तरह का है, कि द रेशियो ऑफ 15 मिनट्स टू 60 मिनट्स है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने जैसे कि पहले देखा था क्वेश्चन जो है, तो 1 आस इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, एंड वी कन्वर्ट द आस इंटू मिनट्स, सो 1 आस इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो द रेशियो ऑफ 15 मिनट्स टू 60 मिनट्स यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, 15 मिनट की निस्बत 60 मिनट से हमें यहाँ पर बताना है। तो 15 निस्बत 60 की निस्बत अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 निस्बत 60 बराबर 15/60। ठीक है, तो 15 × 1/15 × 4, सो दिस 15 विल कैंसिल एंड यू विल गेट 1/4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1:2 विल बी द 1:4 विल बी द आंसर हियर लाइक दिस। ओके, नाउ विल मूव फॉर द अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन द फोर्थ वन। दिस इज द रेशियो ऑफ 30 लीटर्स टू 24 लीटर्स। सो 30:24 इज इक्वल टू 30/24। किस तरह से लिखना होता है हमें इसे, 30/24 इस तरह से लिखना होता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कौन से पहाड़े में 30 और 24 हमें मिलता है। तो आप देखेंगे 6 का पहाड़ा है, 6×5=30 होता है, 6×4=24 होता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 5/4 यहाँ पे जवाब हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, 5/4, तो 5:4 इस तरह से हमारा जवाब होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो पांचवा सवाल देखते हैं। फर्स्ट वी कन्वर्ट द ग्राम्स इनटू केजी। व्हाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू 1/2 kg इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है सॉरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है द रेशियो ऑफ 99 ग्राम्स टू 44 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर द रेशियो ऑफ 99 किलोग्राम्स टू 44 किलोग्राम, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। तो इसके लिए फर्स्ट वी कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। सो
you will see that 44,000 grams is equal to 44,000 gram upon 1000 kilogram is equal to 44 kg. क्या आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर? 44 kg. ठीक है, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या इजीली हम इसे यहाँ पर कर सकते हैं. तो आप देखिए यहाँ पर 99 इज डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 99 अपॉन 44. सो आप देखिए यहाँ पर के 11 इंटू 99 करें तो 11 इंटू 9 किए तो 99 मिलता है. 11 इंटू 44 11 इंटू 4 किया तो हमें यहाँ पर 44 मिलता है इस तरह से. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि 11 11 ही कैंसिल हो जाएगा और 9/4 हमें यहाँ पर बाकी रहेगा. तो आप देखिए यहाँ पर कि आंसर हमारा जो बनेगा वो 9/4 इस तरह से बनेगा. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट वीक यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो सवाल दिया है वो किस तरह का सवाल है. द रेशो ऑफ 1000 ml टू 250 ml, ये यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, कि द रेशियो ऑफ सिक्स क्वेश्चन है ना, तो सिक्स क्वेश्चन अगर आपने देखा है ध्यान से तो उसमें आपने देखा कि 1 लीटर और 250 ml दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट वी कन्वर्ट हेयर द लीटर इंटू ml. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर लीटर जो है तो कन्वर्ट करना है ml में. ठीक है, तो यहाँ पर 1 लीटर अगर कन्वर्ट करते हैं ml में हम, तो यहाँ पर 1000 ml मिलेगा हमें. हाँ ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका रेशियो देख सकते हैं. ठीक है, द रेशियो ऑफ 1000 ml टू 250 ml वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 is to 250 is equal to 1000 upon 250. तो आप देखेंगे यहाँ 250 into 4 करें हमें यहाँ पर तो 1000 मिलेगा और 251 करें तो 250 हमें यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा 4/1. ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 4 is to 1. ये हमारा आंसर यहाँ पर इस तरह से बनेगा. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सातवां सवाल देखते हैं. 1 rupee is equal to 100 paise. सो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें द रेशियो ऑफ 60 paise to 100 paise करना होगा ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टेप हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 60 is to 100 is equal to 60 upon 100. मीन्स आप देखेंगे कि 20 into 3 किया तो 60 मिलेगा और 20 into 5 किया तो 100 मिलेगा. ओके, सो 20 into 3 upon 20 into 5, सो यू सी दैट दिस 20 विल कैंसिल हियर. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3/5, इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा. ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर के रेशियो जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो होगा 3/5. ठीक है, इस तरह से. सो यू विल सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, एंड दैट इज वन, दैट इज यू विल सी दैट द क्वेश्चन इज देयर 750 ग्राम एंड 1/2 ग्राम देयर. सो द रेशियो ऑफ 750 ग्राम टू 1.5 kg वी हैव टू फाइंड आउट. सो 750 इज अ ग्राम एंड सो वी आर सपोज टू कन्वर्ट द 1/2 kg इंटू ग्राम. सो दैट विल गेट 500 ग्राम हेयर एंड the ratio of 750 gram to 500 gram we are supposed to find out here. So 750 is to 500, so it will be 750 upon 500. So 3 into 250 will 750 and 500
will be 2 into 250. So this 250, 250 will cancel and you will get 3 upon 2 here. So 3 is 2, 2 will be the answer here. Now see the question number 9 here. And in this question, you will see that 125 cm and 1 meter ratio here. So you know that the 125 cm is here, and we are supposed to convert the meter into centimeter. So the meter, 1 meter will be 100 cm. So the ratio of 125 cm to 100 cm will be here. So 125 is 200 here, and you will see that the 125 upon 100 will be here. So you will see that 100 will get 4 into 25 will be 100, and 5 into 25 will be 125. Okay, so this 25 and 25 will cancel and you will get 5 upon 4 here like this. Okay, so you will get answer here. 5 is 2 4. Okay, like this. So here is some typing mistake, so I made the correction here like this. And now we'll move for the another question, and you will see that the question is on your screen that Rima has 24 notebooks and 18 books. Find the ratio of notebooks of books. So yahan par hum dekh rahe hain ki रीमा के पास यहाँ पर जो है तो 24 नोटबुक्स है और 18 बुक्स है. तो हमें यहाँ पर जो है तो बुक्स में और नोटबुक्स में जो है तो निस्बत मालूम करना है. ठीक है, सो व्हाट सपोज वी हैव टू डू हियर कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 बुक्स, यहाँ पर नोटबुक्स की जो है तो 18 बुक्स से निस्बत हमें यहाँ पर मालूम करना होगी. ओके, सो द रेशियो ऑफ 24 नोटबुक्स टू 18 बुक्स आर, वी आर सपोज टू फाइंड आउट. सो 24 इज टू 18 इज इक्वल टू 18 अपॉन 24 upon 18, so 6 into 4 upon 6 into 3. 6 into 4 means 24, and 6 into 3 means 18. Okay, so this 6 will cancel and you'll get 4 upon 3 here like this. Okay, so this will be the answer. So the required ratio is 4 is to 3 like this. Okay, this will be the answer here. तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि जो मतलूबा नस्बत है वो 4 नस्बत 3 की नस्बत है, इस तरह से. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. इसमें आप देखेंगे कि द 30 क्रिकेटर्स एंड 20 खो खो प्लेयर्स आर ट्रेनिंग ऑन अ फील्ड. व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रिकेटर्स to the total number of players. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि मैदान में जाए तो क्रिकेट के 30 खिलाड़ी और खो खो के 20 खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहे हैं. क्रिकेट के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से नस्बत यहाँ पर हमें लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि जो क्रिकेटर्स है वो कितने हैं, 30 है. सो द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स आर 30 and the number of खो खो players are 20. okay, so
टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 30 + 20 मीन्स टोटल आर 50 प्लेयर्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पर क्रिकेट के खिलाड़ियों के कुल खिलाड़ियों से निस्बत हमें मालूम करना होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हम देखेंगे 30 to 50 इज इक्वल टू 30/50। सो 3 × 10 विल बी 30 एंड 5 × 10 विल बी 50। नाउ यू सी दैट 10 10 विल कैंसिल एंड 3/5 विल बी द कैरिड आउट हेयर। सो यू सी दैट द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:5। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मतलूबा नस्बत है वो क्या है, 3:5 की नस्बत होगी इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसके बाद का सवाल, तो इसमें आप देखेंगे कि स्नेहल हैज अ रेड रिबन दैट इज 80 cm लॉन्ग एंड अ ब्लू रिबन 2.20 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू दैट ऑफ द ब्लू रिबन। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर स्नेहल के पास जो है तो 80 सम लंबाई की लाल रिबिन है और 2.20 मीटर की नीली रिबिन है, ठीक है। तो लाल रिबिन की नीली रिबिन की लंबाई से नस्बत मालूम करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि हमें यहाँ पर जो है तो देखना है कि 2.20 मीटर इज इक्वल टू 2.20 × 100 cm इज इक्वल टू 220 cm, ठीक है। तो ये मीटर को हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में सबसे पहले कन्वर्ट किया है, तो 100 cm से यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबिन टू दैट ऑफ ब्लू रिबिन, यहाँ पर अगर हम देखते हैं लाल रिबिन की लंबाई की नीली रिबिन की लंबाई से निस्बत, तो वो हमें मिलेगी यहाँ पर 80:220। ओके, 80:220 इज इक्वल टू यू विल गेट दैट 80/220। सो 20 × 4/20 × 11, सो 20 20 विल कैंसिल हेयर, सो 4/11 विल बी द आंसर हेयर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर द रिक्वायर रेशियो ऑफ 4:11 हेयर, मतलूबा नस्बत जो है तो क्या होगी, 4:11 की नस्बत है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में जो सवाल हमने आपको समझाए हैं और हमने ख़ास तौर पर जो यहाँ पर नस्बत के ताल्लुक से जो मालूम आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप उसकी ज़रूर से प्रैक्टिस करें। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, इसे आपको अपने तौर पर सॉल्व करना है। ओके, दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। ओके, डू इट फ्रॉम योर सेल्फ। बेस्ट ऑफ लक। सलाम अलैकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form। तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।